Hey guys, welcome to another episode, festive vlog. I know ये vlog थोड़ा सा late आ रहा है but कुछ personal commitments की वजह से मैंने ये vlog shoot तो कर दिया था but editing नहीं कर पाई. So here I am back with Diwali vlog. So if you're watching this video for the first time, please subscribe the channel, hit the bell icon. So let's start. So Diwali एक कैसा फेस्टिवल होता है जिसका हम लोग पूरे साल इंतज़ार करते हैं और इतने महीनों की तैयारी के बाद चार पांच दिन इतने फटाफट से बीत जाते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता है. तो मार्केट जाओ तो हर तरफ ब्यूटीफुल सी तोरंस, कलरफुल डेकोर आइटम्स और चमचम करती हुई लाइट्स और मज़ा आ जाता है देखकर फेस्टिवल की वाइब्स. तो आज है दिवाली. हैप्पी दिवाली टू एवरीवन. आई होप सभी की दिवाली बहुत अच्छे से गई होगी. और ये व्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है जैसे मैंने बताया पहले, और मेरे बेटे के साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे उसकी वजह से मूड ही नहीं हुआ कुछ काम करने का. देन मेरे सिस्टर की मैरिज थी तो मैं वहाँ पे बिज़ी हो गई. तो फाइनली डला हुआ था वीडियो, तो मुझे लगा भाई जब शूट किया है तो एडिट करके दिखा देते हैं ना अपने फ्रेंड्स को, इसीलिए मैंने इसको अपलोड किया. तो देखिएगा ज़रूर, और अगर आपको पसंद आता है तो इसको एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा. तो यहाँ पर मॉर्निंग में ही मैंने टेबल को डेकोर कर लिया था, और उस दिन इतना टाइम नहीं होता है कि हम बहुत सारी डेकोरेशन करें, बहुत सारे काम होते हैं, तो फटाफट से डेकोर करने का सबसे अच्छा आइडिया यही है. यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक प्लेटर है, ये एक बोल है सेरेमिक का, इसमें मैंने जस्ट फेयरी लाइट्स और एक बुद्धा का जो आइडल है वो ऐड कर दिया है. और ये जो बुद्धा आइडल है मैंने हॉजरानी मार्केट से लिया था. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, मैं आई बटन में लिंक दे दूँगी. तो बस लाइट ऑन होते ही ये ब्यूटिफुल सा आपका कॉफ़ी टेबल रेडी हो गया है, और बिल्कुल ही 2 मिनट क्विक DIY डेकोर आइडिया है ये. तो आज जो पूजा की जो जितनी भी डेकोरेशन होती है ना उसका जिम्मा जो है ये इन्होंने संभाला हुआ है. यहाँ देख लो जरा. कैसा लग रहा है पूजा वूजा सब करके खुद से अपने हाथ से? यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ शादी वाला मटर पनीर. हाँ जी, आप जब भी हम मैरिजेस में जाते हैं तो बुफे में जो मटर पनीर होता है ना, ये वो वाले स्टाइल में मैं बना रही हूँ. तो बड़ी ही क्विकली बन जाता है ये, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है. तो यहाँ पर इसके लिए मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया है, और थोड़ा सा गार्लिक और टमाटर प्याज ये रफली ही चॉप किए हैं तीनों, और इनको हमें हल्का सा सॉटे करना है. तो यहाँ पर जैसे ही प्याज ट्रांसलूसेंट हुआ था ना, मैंने वैसे ही टमाटर ऐड कर दिए. प्याज को गोल्डन ब्राउन होने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है. देन उसके बाद मैंने इसमें 15-20 काजू भीगे हुए डाल दिए हैं, और 3-4 मिनट कुक होने के बाद इसको ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे. तो इसमें हम मटर को बॉईल करके डालेंगे. जो फ्रोजन मटर ही थे इसको एक विसल दे दिया है थोड़ा सा कुकिंग टाइम जो है उसको रिड्यूस करने के लिए. पैन में बनाते हैं तो फिर थोड़ा सा कई बार मटर प्रॉब्लम. और यहाँ ये मैडम भी आ गई हैं, आइए. तो यहाँ पे मैडम भी आ गई है, देखिए क्या मैंने तो अभी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल गरम किया है, और उसमें मैंने डाला है बारीक कटा हुआ लहसुन, और लहसुन को हमें थोड़ा सा कुक करना है ताकि जो इसकी रॉनेस है वो निकल जाए. और अब इसमें मैं डालूंगी देगी मिर्च. यहाँ पर मैंने गैस को बिल्कुल लो कर दिया ताकि हमारा जो स्पाइसेस है वो जले नहीं. और देगी मिर्च डालते ही तुरंत मैंने जो हमने मसाला बनाया था ना, प्याज एंड टमाटर को जो भुना था ठंडा करके, हमने उसको ग्राइंड कर लिया और वही मैंने इसमें ऐड कर दिया है.
अब कुछ बेसिक मसाले जैसे कि नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और पनीर मसाला, ये सारे स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब मैं इसमें ये मटर ऐड कर दूंगी और मटर में हमें सिर्फ एक विसल देना है जिससे कि वो 70% तक ही कुक हो, उसको ओवर कुक नहीं करना है। तो इसमें ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, बट अगर आप इसमें पानी ऐड करते हैं तो उसमें सिर्फ गर्म पानी ही ऐड कीजिएगा। तो बॉयल वाटर मैंने यहाँ पर आधे ग्लास के अराउंड इसमें डाल दिया है और अब इस ग्रेवी को ढक कर 8-10 मिनट के लिए कुक करेंगे। और यहाँ मैंने दूसरे पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम किया है अराउंड 2 चम्मच के, और ये तेज़ गरम हो जाए तब इसमें हम डालेंगे पनीर के क्यूब्स। और थोड़ा सा तेज़ गरम होने के बाद ही गैस को लो करना है एंड देन ये पनीर के क्यूब्स ऐड करने हैं, अदरवाइज़ जो पनीर है वो चिपक जाता है पैन पे। तो आप इस तरीके से तेज़ गरम करेंगे ना तो वो नहीं चिपकेगा। गैस को मीडियम लो कर देंगे एंड देन पनीर के पीसेस ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। बिल्कुल पिंच के अराउंड इसमें मैंने ऐड किया है रेड चिली पाउडर और साथ ही हल्दी पाउडर, इससे इसमें एक बढ़िया सा क्रंच और कलर आ जाएगा। अच्छे से कोट कर देना है सारे पनीर के क्यूब्स में और 3-4 मिनट के लिए इसको हमें फ्राई करना है, तो इसके ऊपर एक अच्छी सी क्रिस्पीनेस आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारी ग्रेवी भी ऑलमोस्ट रेडी है और इस टाइम पे मैं इसमें 2 स्पून के अराउंड जो कोकोनट पाउडर होता है ना डेसिकेटेड वाला, वो ऐड कर दूँगी। इससे ये जो ग्रेवी है बहुत ही क्रीमी बनेगी और यहाँ पे हमारे जो पनीर के क्यूब्स हैं वो भी रेडी हैं और आप देख सकते हो कि इसमें कितना बढ़िया सा कोटिंग आ गया है। और इसके बाद हमने इसमें इसको ऐड कर दिया है। तो मटर पनीर रेडी है। अब मैं पूरी का आटा लगा रही हूँ और ये जो पूरी है ना बहुत ही खस्ता बनती है, बिल्कुल ही थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की पूरीज हैं, आप देखिएगा ज़रूर और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें लिया है मैदा, सूजी और आटा, तीनों ही इक्वल क्वांटिटी में लिए हैं। और उसके बाद इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और अजवाइन और 2-3 चम्मच ऑयल। तो ऑयल को अच्छे से इस आटे में हमें मिक्स करना है और फिर जैसे हम पूरी का आटा गूंथते हैं वैसे ही गूंथना है। तो ये जो फूली फूली सी पूरियाँ है ना, इनका क्रेडिट जाता है मेरी चाची जी को। जो मेरी चाची हैं उनसे मैंने ये बनानी सीखी थी। एक बार उन्होंने बनाई थी तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि भाई उनकी एक एक पूरी थी, मतलब पूरी तो फूलती है मेरी भी, बट लेकिन उसका जो टेस्ट है ना इतनी सौंधी सौंधी सी, बड़ा डिफरेंट सा टेस्ट होता है। आप जब एक बार ट्राई करोगे ना तो आपको मालूम चलेगा, बहुत टेस्टी लगती है। तो बस उसके बाद से मैंने वैसे ही बनानी स्टार्ट की है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना, आई होप आपको अच्छी लगेगी। तो फिलहाल मैंने इसका आटा ऑलमोस्ट गूंथ लिया है, कुछ भी नहीं करना, नॉर्मली जैसे आप आटा गूंथते हो बस उसमें आपको जो जो भी आप क्वांटिटीज़ ले रहे हो ना तीनों इक्वल पोर्शन में लेनी है, आटा, सूजी, मैदा। उसके बाद कोई भी एक पूरी ऐसी नहीं होगी जो नहीं फूलेगी, गारंटी है। ट्राई ज़रूर करना और मुझे बताना फिर, है ना। तो मटर पनीर बन गया है, ये हो गया आलू गोभी। तो किचन का ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो गया है और पूजा की जो डेकोरेशन है वो संभाल रहे हैं पति देव। और मैंने यहाँ पर ना रंगोली के डेकोरेशन के लिए कुछ दिए और सब तैयारी कर लिया है। तो चलो अब फटाफट से रंगोली बनाते हैं और उसके बाद फिर मैं तैयार होंगी। तो ये रहे रंगोली के दिए। तो यहाँ पर ना मैंने पहले एक पीकॉक का शेप ड्रॉ कर लिया है हाइलाइटर की हेल्प से, चॉक मुझे मिला नहीं, आप चॉक से भी बना सकते हो। उसके बाद हमें एक शेप मिल जाता है ना तो डिज़ाइन बनाना इजी हो जाता है।
there's not much to do when all I can is thinking about you. Abi. Not doing well, don't know where you are, cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would, I would. I would. We talk on the phone every night, love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. That you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. Nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would, I would. I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and I'll see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know.